नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरुई मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सड़क दुर्घटना में चार की मौत, भाई के रात विसर्जन से लौट रहे किराना व्यापारी से चार की मौत हो गई, जबकि दो अन्य जख्मी हो गए। पहला हादसा मंगलवार की दोपहर काम पर मार्केट ऑटोमोटिव चौक के पास हुआ। मिनी माता नगर के किराना दुकान चलाने वाले प्रकाश शंकर राम मुंडे के मामा के बेटे की दो दिन पहले मृत्यु हुई थी और उनके अन्य परिजन आज सुबह रात विसर्जन के लिए बीना नदी पर गए थे। मेले को अपने बेटे को स्कूल से घर लाना था। परिजनों को वही छोड़कर बेटे को लेने के लिए भिंडी एक्टिवा पर सवार होकर बीना से नागपुर के लिए निकले। दोपहर 2:30 बजे काम की मार से ऑटोमोटिव जो कि एक दिशा जा रही थी, अज्ञात ऑटो चालक ने इसी दौरान मंडे को काट मार दी। एक्टिवा से सड़क पर गिर गए। उसी वक्त पीछे से आए ट्रक चालक ने मंडे को कुचल डाला, उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। वही को दाबिली निवास 25 वर्षीय गुना भास्कर मोहल्ला हो गई। वह सोमवार की दोपहर 3 बजे अपने परिचित वैष्णवी मिश्रा और उनकी सहेली छात्रा वैष्णवी प्रसाद के साथ एक्टिवा पर कोराड़ी मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था। भावे नगर गेट के पास ट्रक चालक ने एक्टिवा को टक्कर मार दी थी, नीचे गिरकर जाने से हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। अनाज तस्करों की अंधेरी रात, सरकार द्वारा जरूरतमंद पात्र कार्ड धारकों को मुहैया कराए जाने वाला अनाज शहर में कालाबाजारी के रेट चल रहा है। आलम यह है कि अनाज की कालाबाजारी करने वाला अब किसी एडमिन से कम नहीं रहे। कालाबाजारी को अंजाम देने के लिए अनाज तस्कर अलग अलग तरकीब अपने दिखाई दे रहे हैं। आधी रात बीत जाने के बाद यह अनाज तस्कर सक्रिय हो जाते हैं। गोदाम का शटर उठाकर भीतर वाहन लगाकर बड़े इम्तियान से अनाज गाड़ी में डाल जाते हैं। शहर के थाना अंतर्गत इलाकों में अनाज टच करो की ऐसी सक्रियता देखी जा रही है। जामिया अरेबिया के पास नाल साहब चौक परिसर में एक राशन दुकान के पास खड़े कुछ लोग ऐसी ही चर्चा कर रहे थे। इशारों में उनका इशारा ही काफी कुछ कह रहा था, लेकिन प्रशासन को इससे क्या लेना देना। बादलों का डेरा, हल्की बूंदाबांदी भी हुई। पिछले दो दिनों से मानसूनी बादलों की वापसी की रफ्तार ने जोर पकड़ ली है। उत्तरकाशी नाजीबाद आगार से होते हुए पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर व रतलाम तक मानसून की वापसी की घोषणा मंगलवार को कर दी गई। अगर स्थिति अनुकूल रही तो दो दिनों में नागपुर साहिल भी धर्म के कुछ हिस्सों से मानसूनी बादलों के वापस लौटने का आसार बन रहे हैं। वापसी के दौरान अक्सर बारिश होती है। इसी वजह से मौसम विभाग से नागपुर सहित विद्यालय के सभी जिलों में 6 अक्टूबर तक जारी किया गया है। इस दौरान गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। ऐसे में धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के दिन बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। मंगलवार को सुबह से आसमान में ही बादलों का डेरा धम गया है। एक मर्तबा शहर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई थी, उसी दर्ज किया गया। जा सके बादलों की वजह से दिन का तापमान 4 डिग्री गिरकर 30 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है। वही शाम को घर और दिवस कार्यक्रम के लिए आने वाले 10 और 8 को आरक्षित कर दिया गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।